गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 49 है स्टार्टेड। ओह बहुत ठंड है यार। और ये रहा मेरा कैंप, वो घूम रही बटर। और बस कैंप में पैक करते हैं, फ्रेश होते हैं और निकलते हैं। लास्ट यहाँ पे ब्रेकफास्ट होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज पुलिस चौकी है, तो आगे जाना पड़ेगा करीब 1.5 किलोमीटर। और सही है, आगे चलते हैं और आगे जाके जो है नाश्ता करेंगे। फिलहाल पैक करते हैं सामान, सारा सामान पैक करना है, फिर चलते हैं आगे। कोहरा है यार बहुत ज़्यादा आज। मैं भी हूँ सुल्तानपुर रोड पे और काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, तो आगे जाके जो भी दुकान मिलेगी नाश्ते की वहाँ पे रुक जाएंगे और वेट करेंगे कि कोहरा जो है कम हो जाए, क्योंकि दिखाई ज़्यादा कुछ दे नहीं रहा है दूर रेंज में, तो मेरे और बटर दोनों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए रुका जाएगा। आज सर्दी में दूसरी बार कोहरा मिला है मुझे और बहुत फॉग है, मतलब पीछे अगर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा व्हीकल ऑलमोस्ट गायब हो जा रहे हैं, बटर भी गायब हो गई है, बटर को ढूंढते हैं पहले। ये देखो, मतलब पता नहीं चलेगा व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना हो रहा है। ये अब दिख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कोई है कि नहीं भी है। काफ़ी भयंकर कोहरा रहा है यार, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब साइड में फॉरेस्ट में तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है, और यहाँ पे भी व्हीकल इक्का दुक्का दिखाई दे रहा है तो दे रहा है। बटर जो है हाथ नहीं आ रही, तब से इधर उधर भाग रही थी, खेलने की मस्ती चढ़ रही थी मैडम को, पर फिलहाल जो है मैंने पकड़ के और बदल दिया ड्रेस, क्योंकि रेनकोट है वैसे जूफ पेट्स ने जो गिफ्ट किया था, थैंक यू जूफ पेट्स फॉर दैट एंड, बट अभी विंटर कवरिंग के लिए भी काफ़ी सही है। और जब मुझे इतनी ठंड लग रही है तो बटर को तो कितनी लग रही होगी। फिलहाल बहुत बढ़िया लग रही है मैडम, एकदम चल रही है यहाँ पर, तो आगे चलते हैं और कोई खाने की जगह ढूंढते हैं। बटर जो है अपना बढ़िया कोट पहन के आगे आगे चल रही है। तो यार करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद दुकान मिली है स्वीट फास्ट फूड, तो भैया पूड़ी कचौड़ी छोले भटूरे बना रहे हैं, तो खा लेते हैं यहीं पे। बढ़िया एकदम पूड़ी छोले आ चुके हैं और खाना चालू करते हैं। भैया वहाँ खड़े हैं, भैया ने बनाए एकदम बढ़िया छोले और पूड़ी। बटर अपना नाश्ता कर लिया, पूड़ी खिलाइए बटर को, साइड में खड़ी है, साइड आ जाओ बटर, साइड आ जाओ, खाते हैं फिर चलते हैं आगे। नाश्ता करके निकल चुके हैं बटर और मैं, और कोहरा हो गया कम, जो अच्छी बात है अब। और वाराणसी यहाँ से बोर्ड दिखा रहा है 300 कुछ किलोमीटर, पर जो छोटा रास्ता है वो करीब 280 किलोमीटर कुछ है। और बटर जो है आगे पीछे मस्ती करते हुए घूम रही है, देख सकते हो अपने गियर्स पहन, अपने नए गियर्स पहन के बहुत ही खुश है, मतलब मज़ा आ गया। इतनी खुशी मुझे नहीं हुई थी जब मुझे अपने ट्राइपॉड के गियर्स मिले थे, तो बढ़िया है। और अगर आप लोग एक पैट ओन करते हो और अगर आप लोगों को भी बटर जैसे कूल गियर्स चाहिए, तो आप जू पैट्स कंपनी है उसको जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम भी दे रखा है, तो जाके प्रोफाइल और वेबसाइट आप चेक कर सकते हो और अपने डॉग के लिए पेट के लिए गियर्स खरीद सकते हो वहाँ से। फिलहाल जो है आगे चलते हैं और बहुत ही कूल लग रही है एकदम। बटर को दोस्त मिल जाते हैं खेलने के लिए रास्ते में, वो खेलते रहते हैं, देखो अब खेल रहे हैं। और ये है गोमती नदी, लखनऊ में इस साइड गोमती नदी बहती है एकदम बढ़िया। इतना भी गंदा नहीं है ना नदी का पानी, मतलब ठीक है, अब ये नहीं पता पीने लायक है कि नहीं, पर इतना पता चल रहा है कि इतना गंदा नहीं है। और चलते चलते काफ़ी देर हो गई है और लग तो ऐसा रहा है जैसे ये देखो अपार्टमेंट सिंद्रापुरम नोएडा की साइड में, पर नहीं, लखनऊ है और ये गोमती नदी बह रही है। अब बाकी जो है बटर आ रही है पीछे पीछे अपना बढ़िया,
आगे चलते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। मैं फिलहाल चल रहा हूँ सुल्तानपुर वाली रोड पे। सुल्तानपुर है 80-100 किलोमीटर, पर देखो आज कहाँ रह सकते हैं। ये देखो मस्ती में कहाँ जाके बैठ रही है, कभी भी मस्ती चढ़ जाती है बटर को, अपनी पूरी ड्रेस गंदी कर रही है। ये देखो, अरे चलो वहाँ से। ये देखो चलते चलते हो गए काफ़ी देर, सोच रहे ब्रेक ले लें और आगे अब जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चालू होने वाला है जो मुझे जौनपुर की साइड घुसाएगा। और अभी तो काफ़ी दूर है, पर देखते हैं कहीं चाय वाय की दुकान पड़ती है तो रुकेंगे। बाकी बटर जो है खेल रही है एक कुत्ते के साथ पीछे वहाँ पे हो रही, तो रास्ते में चलते चलते खेलते हैं, कुछ नहीं कर सकते, खेलने देते हैं फिलहाल। ये देखो आ रही है मैडम और चलते रहते हैं आगे। कल से आज की वॉक ज़्यादा बेटर है क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं पड़ रहा है शोल्डर्स पे, पैरों पे, बॉडी पे, कहीं भी। कल जो है 7 दिन रेस्ट लेने के बाद एकदम से स्ट्रेस जो है ज़्यादा पड़ रहा था बॉडी पे, अब थोड़ा कम है फिलहाल। आज भी ये है कि ज़्यादा नहीं चला जाएगा, जितना खींच सकता है उतना सही है, बाकी फोर्स नहीं करना है। बॉडी को देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, करीब 12:30 बज रहे होंगे तो 3:30 तक रुक जाएंगे। स्पीड जो है वो बढ़ाई जाएगी कल से या परसों से, जब बॉडी लगेगी पूरी तरह दोबारा तैयार हो गई है। बाकी बटर को कोई टेंशन नहीं है, बटर फुल रेडी है और खेल रही है। देखो पूरा एकदम दूसरे कुत्तों के साथ खेलते खेलते चल रही है मैडम। वो मैं पहुंच गया हूँ संकल्प सत्तू का पर्वा पूर्वा, संकल्प सत्तू का पूर्वा, और भैया है मेरे साथ। चाय ब्रेक के लिए रुका था मैं, तो भैया की दुकान है पीछे, बार्बर शॉप है, तो भैया मुझे मिल गए थे, हमने कहा चाय वाय पी लेते हैं साथ में। बटर तब तक वहाँ पीछे लेती हुई आराम से, और ये भैया की दुकान है, यहाँ पे समोसे, चाय, ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, तो भैया और मैं ब्रेड पकौड़े खा रहे थे बैठ के आराम से, चाय वाय पी रहे थे। बहुत बढ़िया ब्रेड पकौड़ा और चाय, हाँ बहुत बढ़िया ब्रेड पकौड़ा और चाय एकदम। और देखते हैं अब आगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। बटर को वहाँ पीछे देखो लेटी हुई है आराम से, यही पास में वीडियो को तो बोला करने के लिए, ऐसा कुछ व्यू है आज। बाकी हाईवे है साइड में, चलो भैया जी 2:30 बज गए हैं और चलते जा रहे हैं सुल्तानपुर हाईवे पे। अब ये जो हाईवे है लखनऊ से पहले जो हाईवे पड़ रहा था सीतापुर वाला, वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो है घर वगैरह ज्यादा हैं, आप देख सकते हो उधर उधर, और दुकानें ज़्यादा हैं, रादर देन की ढाबे और ऐसा कुछ पड़े। अब आगे से जो है, मुझे किसी ने बताया आगे 2-2.5 किलोमीटर आगे से जो ट्रक के ढाबे होते हैं वो चालू हो जाएंगे, तो देखते हैं फिर, तो उसके बाद तो सही रुकना का है। काफ़ी टाइम बाद एक बहुत बढ़िया व्यू आया, शायद साइड में मतलब जंगल जंगल सा है। बटर एकदम तैयार है अंदर जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, नेचुरल ब्यूटी एकदम बढ़िया। बटर वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फाइनली सैनिक ढाबा जो है वो आ चुका है। बस मेरे सामने है, इतना दूर भी नहीं था,
अब जाके पूछते हैं कि रह सकते हैं वहाँ के नहीं रह सकते, या फिर आगे जाना पड़ेगा। बटर जो है अपने में पीछे घूम रही है वो देखो वहाँ पे, पर चलते हैं जो सामने है ढाबा, भोरा ढाबा। अब वहाँ चलते हैं पूछते हैं कि वहाँ रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या फिर आगे जाना पड़ेगा, क्या सिनेरियो है। फाइनली पहुंच गए हम लोग ढाबे पे, और जो भाई साहब थे उन्होंने बोल दिया लगा सकते हैं तंबू, तो पीछे यहाँ लगाएंगे तंबू। बटर कहीं पीछे खेलने गई है, और गंगागंज इस जगह का नाम है, और आज ज़्यादा नहीं करीब 24 किलोमीटर चले, तो फिलहाल जो है तंबू लगाते हैं, फिर देखते हैं कुछ खाएंगे वाएंगे, रेस्ट करेंगे, और क्या है जल्दी सुबह उठ के चल देंगे, बट फिलहाल जो है तंबू लगा। कैंप सेटअप हो चुका है और फाइनली टाइम है कुछ खाने का, बिकॉज बहुत भूख लग रही थी। बटर को तो मैंने दही खिलाई खूब सारी और कैंप में घुसा दिया ताकि वो आराम करे। बाकी मेरे लिए आ गया दाल फ्राई घर, तो दाल फ्राई खाते हैं, फिर फ़ोन वोट चार्ज करेंगे, एडिटिंग का कुछ काम करेंगे एज यूजुअल, क्योंकि जल्दी रुक गए हैं। उसके बाद रात को सोने से पहले डिनर करके सो जाएंगे बढ़िया, और कल दिन चालू करेंगे। बट फिलहाल के लिए जो है कॉन्सेंट्रेशन है इस खाने पर, बहुत भूख लग रही है, खाना खाते हैं पहले। दाल फ्राई बढ़िया, और साथ में प्याज व्याज हरी मिर्च नींबू। ओ भाई लोग, समय हो गया है डिनर का, और मैं जो है कैंप में जाके थोड़ी देर सो गया था बटर के साथ, दोनों अपन सो गए थे क्योंकि सोचा कि आराम कर लेते हैं, फिर आधा एक डेढ़ घंटा आराम किया। फिर उसके बाद उठ के थोड़ा इंस्टा अपलोडिंग का काम एज यूजुअल, डे की स्टोरीज अपलोड करना, और अब खाने का टाइम हो गया है। बटर जो है यहाँ पे साथ साथ खा रही है चावल और दही, और मैं खा रहा हूँ आज तंदूरी रोटी, दाल और बैंगन का भरता। रुको दिखाता हूँ एक बार, ये भी दाल, बैंगन का भरता, तंदूरी रोटी, प्याज मिर्च और नींबू के साथ, बढ़िया एकदम। खाते हैं फिर चलते हैं तंबू में। डिनर हो चुका है बढ़िया एकदम, और पेट भर गया है, और टाइम हो गया सोने का, तो तंबू में आ चुके हैं, और एज यूजुअल बटर ने मेरी जगह ले रखी है। बटर ये देखो हिलने को तैयार नहीं है, तो अब बढ़िया सोते हैं, कल चलेंगे एक नई जर्नी, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए गुड नाइट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, कल मिलते हैं, सी यू।